नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं सकल कुल आय में से कटौतियों के बारे में, यानी डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 80U, यानी धारा 80U की कटौतियाँ, डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन 80U। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि धारा 80U में कौन कौन सी कटौतियाँ दी गई हैं और कौन कौन सी कटौतियाँ प्राप्त होती हैं। धारा 80U की कटौती शारीरिक रूप से अयोग्य यानी दिव्यांग व्यक्ति, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी के संबंध में है। यानी जो धारा 80U की कटौती है, यह जो शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो अयोग्य व्यक्ति हैं, शारीरिक रूप से उन्हें मिलती है। इस कटौती के संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। अब ये कौन सी बातें हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जिसमें ए है, कटौती के लिए पात्र करदाता, यानी वह कौन सा करदाता है जिसको इस कटौती का लाभ मिलेगा। यह कटौती भारत में निवासी व्यक्ति करदाताओं को उनकी कुल आय की गणना करते समय दी जाती है। जो शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित हैं तथा चिकित्सा प्राधिकारी ने उन्हें असमर्थता का प्रमाण पत्र दे दिया है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वे सारे के सारे भारतीय निवासी करदाता, जब उनके कुल आय की गणना की जाती है और वे शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं यानी दिव्यांग होते हैं, और उनके शारीरिक अयोग्यता का सर्टिफिकेट जो है चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा मिला होता है, यानी जो चिकित्सा प्राधिकारी है उसने क्या किया है, एक सर्टिफिकेट दे दिया है, प्रमाण पत्र दे दिया है और कहा है कि ये क्या है, असमर्थ व्यक्ति हैं शारीरिक रूप से, यानी दिव्यांग हैं, यानी यहाँ पर प्रूफ हो गया है, तब उस व्यक्ति को धारा 80U के अंतर्गत कटौती मिलती है। कटौती की शर्तें, इसमें पहला है किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को करदाता प्रतिवर्ष आयकर की विवरणी के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा कटौती नहीं दी जाएगी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब कभी भी प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स फाइल किया जाएगा तो इनकम टैक्स फाइल करते समय जो भी प्रमाण पत्र है उसको अटैच्ड करना होगा। जब कभी भी इनकम टैक्स फाइल होगा तब, हर वर्ष। दूसरा है, यदि चिकित्सा प्राधिकारी ने प्रमाण पत्र में एक निर्धारित अवधि के बाद असमर्थता की सीमा का उल्लेख किया है तो उस अवधि के बाद असमर्थता की सीमा का पुनर्निर्माण कराना आवश्यक है, तथा ऐसी स्थिति में एक नया प्रमाण पत्र आय की विवरणी के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा कटौती नहीं दी जाएगी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर चिकित्सा प्राधिकारी ने ये कहा है कि जो मैं सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँ इसकी वैलिडिटी इतने साल की है, तो जब तक वैलिडिटी है तब तक तो वही काम आएगा, उसी को अटैच करना होगा इनकम टैक्स फाइलिंग के समय। लेकिन जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो वैलिडिटी खत्म होने के बाद से नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, उसी का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा उसी के हिसाब से, और जो नया बनेगा उसी को लगा दिया जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। और यहाँ पे समझने वाली बात एक और आ जाती है कि जब तक वो नया वाला प्रमाण पत्र नहीं लगेगा तब तक कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। अब सी है, कटौती की रकम, यानी कितने रुपए की कटौती मिल जाएगी। यदि विकलांगता 40% या इससे अधिक है लेकिन 80% से कम है तो कटौती की रकम 75,000 होगी प्रतिवर्ष। यानी कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की विकलांगता 40% से ऊपर है लेकिन 80% से कम है, यदि करदाता गंभीर रूप से असहाय है, अर्थात विकलांगता 80% या इससे अधिक है, तो कटौती की रकम 1,25,000 होगी। यहाँ पे ये बताया गया है सेक्शन 80U में कि दिव्यांग व्यक्ति के संबंध में कितनी कटौती मिलेगी जब इनकम टैक्स फाइलिंग होगी तब। मेरे प्रिय साथियों, हमने इस वीडियो में जाना कि दिव्यांग व्यक्ति को
कितने रुपए की कटौती मिलेगी और उसकी अर्हता क्या होगी। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स जुड़े हुए तो हमें उन प्रश्नों को जरूर भेजना, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।